सीरियल दारी की शूटिंग मनेर कोटला मानसर और पहलगाम में पूरी हुई। इस सीरियल में ये कोशिश की गई कि लोग जंगलों की अहमियत को समझें और इनकी हिफाजत करना इंसानी फर्ज मान के चले। धारे एक मल्टीलिंगुअल कहानी है जिसको सजाद साहब ने लिखा है। ये मेरा पहला पहाड़ी सीरियल है जिसको मैंने डायरेक्ट किया है और जिसमें मैं सुहेल का किरदार भी निभा रहा हूँ। मौजूदा सीरियल जो धारे है इसमें छोटे से कनवास में वो सारी चीज़ें हैं, तो हमें यही सब्जेक्ट, यही किरदार और यही इंस्टिंक्ट, यही जिबलत दे ली। इस जिबलत में, जिबलत यूँ मैं कह रहा हूँ कि एक जागीरदार जिसका अब सब कुछ छिन गया है, लेकिन उसकी जिबलत, वो जागीरदारी जिबलत जो है वो जिंदा है। इस सीरियल का नाम धारे हैं। ये पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसके दो ट्रैक चलते हैं, एक में तो है सुहेल और नाजो की कहानी है जिसमें मैं नाजो का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और दूसरा ये है कि पहाड़ी लोगों के लिए जिस तरह से जंगल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसी तरह का एक ट्रैक चलता है जिसमें जो सुहेल है उसका बड़ा भाई जो है वो बहुत ही करप्ट इंसान है, वो जंगलों को काटता है और शहर में बेचता है। इस कहानी के दूसरे पहलू में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के बड़े प्रॉब्लम को लिया गया। हर एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर है, ये सोशल मैसेज देने की कोशिश भी की गई। इस सीरियल में कश्मीर के और बारामूला से हमने आर्टिस्ट लिए हैं, बाकी आर्टिस्ट हमने नॉर्दर्न इंडिया से भी लिए हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। गुलराज का जो ये टेलीविज़न या फिल्म या कैमरे का सफ़र है, उसने काफ़ी कुछ इसमें महारत पाई है। मुझे याद है कि 10-12 वर्ष पहले जब ये छोटा सा लड़का एक कहानी के लिए मेरे पास आया तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या कह रहा है और कैसे करेगा। उस वक्त मेरी बात शबीर मुजाहिद साहब से हुई, उसने कहा नहीं ये लड़का बड़ा मेहनती है। मैंने कहा तुम्हारे साथ काम किया है? कहा नहीं अभी कर रहा है, अभी स्टार्ट ले रहा है। तो उस वक्त इस लड़के ने एक सीरीज बनाया था, अर्न कश्मीरी सीरीज था, और जब मैंने देखा तो मुझे हैरान हो गया कि एक छोटा सा लड़का और इतनी मेहनत की है उसने। और उसके बाद में ये बेतकान चलता गया, यहाँ तक कि आज मैं देख रहा हूँ कि गुलू छोटी सी छोटी बात को समझने की अहलियत रखता है। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में अगर बोलूँ कि मैं नाजो का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि एक बहुत ही गरीब ख़ानदान की लड़की है, उसका एक अमीर घराने के लड़के से प्यार होता है, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाता। सुहेल जो कि एक अमीर घर का लड़का है, वो शहर चला जाता है पढ़ने के लिए, और पीछे से जब सुहेल के माँ बाप को पता लगता है कि नाजो का अफेयर उसके साथ चल रहा है, तो वो फोर्स करते हैं उसके पेरेंट्स को कि उसकी शादी उन्हीं के किसी नौकर से कर दी जाए, लेकिन नाजो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। इस कहानी के ड्रामा निगार सजाद गिलानी है और इसको म्यूजिक दिया है किरशान। इस सीरियल को डायरेक्ट किया है गुलरियाज। ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ पे पहाड़ी ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, वहाँ हमने लैंग्वेज पहाड़ी रखी है और जब सिटी का ट्रैक आता है तो लैंग्वेज उर्दू हो जाती है। उधर सहेल जो है वो नाजो को भूल नहीं पाता, वो शहर जाता है, उसका एक डिफरेंट ट्रैक भी चलता है एक और लड़की के साथ जो कि उसकी ही कज़न है, उसके साथ उसकी शादी आसानी से हो सकती है, लेकिन सुहेल जो है वो नाजो के लिए डिवोटेड है, वो उसको प्यार नहीं करता, लेकिन वो लड़की भी सुहेल को बहुत प्यार करती है। इस तरह से डिफरेंट ट्रैक्स चलते हैं, स्टोरी अलग अलग मोड़ लेती है, बहुत सारे शेड्स दिए गए हैं इसमें, गाने भरे गए हैं
डिफरेंट सिचुएशंस पैदा करी गई हैं। टोटल कहा जाए तो मुझे अपने इस रोल को करने में बहुत ही मज़ा आया और मुझे ये सीरियल बहुत अच्छा लगा। धारे 5 एपिसोड की कहानी है। अगर इसमें हम 5 एपिसोड में मोंटाज और एंड रोल निकाल दें तो ये 2.5 घंटे की फिल्म है। इस सीरियल को बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरह से हमारी कोशिश रही कि सीरियल बहुत अच्छा बने और आप सबको पसंद आए, क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल अलग है।